महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शिंदे गुट क्या कभी एक हो पाएंगे? अगर एक होंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा, ना कि शिवसेना पार्टी को, क्योंकि शिवसेना पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है और पार्टी को लेकर ही अब चुनाव आयोग में फैसला भी होना है। लेकिन इस बीच शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकार ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच समझौते के लिए प्रयास करेंगे। कीर्तिकर के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बुधवार को कीर्तिकर दादर के शिवाजी पार्क मैदान में आयोजित उद्धव गुट की दशहरा रैली में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुझको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, मगर मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। इसके साथ ही मैं दोनों गुटों को साथ लाने के लिए उद्धव और शिंदे से चर्चा करूंगा। मैं चाहता हूं कि दोनों लोग विवाद खत्म करके दोबारा एक साथ आ जाएं। कीर्तिकर ने कहा कि मैं रांगपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन को गलत बताने वाले अपने बयान पर कायम हूं। शिंदे गुट के मंच पर ठाकरे परिवार के सदस्य नजर आए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बीकेसी की दशहरा रैली में ठाकरे परिवार के सदस्य मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री की रैली में शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे मौजूद रहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सभा में बाला साहब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे भी मौजूद थे। निहार बाला साहब के बड़े बेटे स्वर्गीय बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। निहार भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल के दामाद भी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सभा में बाला साहब के सेवक रहे चंपा सिंह थापा भी मौजूद थे। थापा हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए थे, लेकिन गजानन कीर्तिकर के बयान को सुनकर कहीं ना कहीं दोनों ही गुटों के समर्थकों को राहत मिली होगी, क्योंकि जब से ये दो धड़ में हुए हैं, यानी दो गुटों में बैठे हैं, तब से आपस में काफी रार देखने को मिले, जुबानी जंग भी, और बीच में तो हाथापाई तक नौबत आ गई थी। अगर गजानन कीर्ति का बयान सच होता है तो देखना यही दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में, क्या मुख्यमंत्री कुर्सी शिंदे के पास रहते हुए क्या वो उद्धव से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दें, अगर साथ छोड़ दें तो हो सकता है यहाँ पर उद्धव ठाकरे के और रुख करते नजर आए सभी बागी विधायक। की बड़ी शर्तें थी बागी विधायकों की कि अगर वो रांगपा और कांग्रेस का हाथ छोड़ देते हैं तो सभी विधायक वापिस आ सकते हैं। उनको सत्ता की लालच नहीं, बल्कि उनको इस बात का दिक्कत था कि शिवसेना के मुखिया बाला ठाकरे का विचारों का सम्मान करती है रांगपा और कांग्रेस, और उनके साथ बने रहना कहीं ना कहीं शिवसेना के शिवसैनिकों का बहुत बड़ा कह सकते हैं एक नुकसान है, जिससे जमीनी स्तर पर कमजोरी आएगी। देखना दिलचस्प रहेगा क्या होता है आने वाले वक्त में शिंदे और उद्धव गुट को लेकर। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।